मसला जो है बड़ा अहम मसला है। जाने वाला तो जा चुका है, लेकिन जो बाकी लोग हैं, हमसे 1122 ने भी 2-3 साल पहले रابطہ किया था, तो हमने शरी फतवा दिया था कि जो एक्सीडेंट होता है, बीमार होता है, उसका सबसे पहला काम ये फौरी तौर पर रोज़ा तोड़ दे, क्योंकि जान बचाना फ़र्ज़ है। वो ज़िंदा रहेगा तो वो बाकी रोज़े भी कज़ा भी कर लेगा। और इस वाले से जो एक्सीडेंट जब होता है तो हमसे रابطہ किया गया, उन्होंने कहा कि जी जो बाकी लोग खड़े होते हैं वो भी मुंह में पानी नहीं डालते, वो सर के ऊपर पानी डालते हैं, और वो भी कहता है रोज़ेदार भी कहता है मेरा रोज़ा मैंने रोज़ा नहीं तोड़ना। हालांकि आज इस हवाले से रोज़ा फौरी तौर पर तोड़ना चाहिए। मुख्तसर अल्फाज, कोई भी मुश्किल आ जाए, वो शुगर हो, कोई डॉक्टर कहे, खुद अपनी बंदे अकेला बंदा हो, सेहत ख़राब हो जाए, तो उसको फौरी तौर पर रोज़ा तोड़ देना चाहिए। सफ़र के दौरान वैसे भी जो हमें उस्वा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलता है, आपने जो फतह मक्का का जो रमज़ान मुबारक में सफ़र किया उसमें भी आपने रोज़ा लोगों के सामने इफ्तार करके इस चीज़ की तलकीन की कि सफ़र हो और सफ़र भी सोबत वाला हो, तो उसमें अल्लाह ताला ने जो रियायत दी हुई है उससे आपने प्याला मुबारक ऊपर किया ताकि दुनिया देख ले।